राम राम सारे ने, मैं हूँ तारगला कुसुम गोयत। और 29 तारीख पांचवा महीना 2022, इस दिन पंजाब के एक बहुत बड़े सिंगर, पंजाब के अपने भारत के बहुत बड़े सिंगर सिद्धू मूसेवाला अपने बीच में नहीं रहे थे। गोलियां तय उनका उनकी हत्या कर दी गई थी। और इस टाइम उसे ने लेकर मैं बातचीत करूंगी। तब मेरे साथ में दो पत्रकार खड़े हैं, तुमने इनकी वीडियो भी देखी थी। मेरे साइड में अजय भारद्वाज सर है ग्राउंड मीडिया तय, और साइड में अमित बोस नरवाना है। इन्होंने भी ये दोनों उस टाइम उड़क गए हैं, यानी कि पल पल की अपडेट इन्होंने दी है। मानसा की जो अंतिम संस्कार सिद्धू मूसेवाला का होया उड़े की, उनका फैमिली में जाके इन्होंने बातचीत करी है, और बहुत सारी वीडियो उनका गांव में लोगों तक बातचीत करी है। बहुत बुरा लग रहा है हर किसी ने यू सुनकर ने कि भाई इतने बड़े सिंगर जो अपने बीच में नहीं रहे हैं, और नूर नू उनका गिला यू कांड हो गया है। यकीन तो हमने भी को नहीं होया था उस दिन जिस दिन वेरा लग गया। तो फिलहाल देखो सर हैं, इन तक पूछना चाहूँगी कि भाई उड़े कुकर के था इनका के कहना, क्योंकि लोगों तक इन्हें बातचीत करी है, बहुत सारी वीडियो है जो तारे बीच में आवे उन तक अंदाजा ला सको कि भाई इसका गौर के कुछ होने वाला है। तो सर राम राम। पहले राम राम कुसुम जी। और भाई बड़े दुख की बात है यार, क्योंकि हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं, मतलब स्वतंत्र मानते हैं, हम भी स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र देश के अंदर सरेआम इस प्रकार से गोलियों से किसी कलाकार को भून देना, तो कहाँ की ये स्वतंत्रता है। और अभी तक उसके अपराधियों को पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, यानी कि ऐसे अपराधियों का तो इनकाउंटर कर देना चाहिए, कि पुलिस प्रशासन ने ढूंढने चाहिए पहले तो कि भाई कौन आखिरकार उनका मर्डर किसने किया है। मतलब भाई एक, लेकिन हम मूसेवाला गांव के अंदर गए भाई, मतलब वीडियो लगातार वायरल होने लग रही थी, सिद्धू मूसेवाला भाई वहां पर जाके देखा तो लाखों की भीड़। भाई पहली बार किसी के दाह संस्कार में देखा कि कमांडो और पंजाब पुलिस, यानी कि हजारों की संख्या में कमांडो पंजाब पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर खड़ी थी। भाई कमांडो का भी जो भीड़ थी वो इतनी बेकाबू होगी कि कमांडो भी कंट्रोल में नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी संयम और सहनशीलता उनने रखी, क्योंकि भाई दुख की घड़ी थी। पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा मानसा जिला इस दुख में था, पूरा असल में तो पूरा देश से है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड लेवल के ऊपर उनके सॉन्ग आते थे। और बहुत दुख की बात है ये कि सिद्धू मूसेवाला मात्र 28 साल की उम्र में उन्हें विश्व लेवल के ऊपर ऐसी पहचान बनाई है, वो फिल्मी दुनिया का आसमानी तारा था, फिल्मी दुनिया का, मैं बताना चाहूँगा आप। लेकिन बहुत सारे लोगों के अलग अलग कॉमेंट आए थे कि भी वो तो बंदूक है, हथियार है, इनको प्रमोट करता है इस प्रकार से। भाई वो केवल फिल्मी दुनिया के लिए थे, वो केवल लोगों के मनोरंजन के लिए थे। बॉलीवुड की फिल्में आप भी देखते हैं, बॉलीवुड की फिल्मों में पता नहीं किस तरह की मतलब आपराधिक गतिविधियां दिखाई जाती है, लेकिन वो कहते हैं भाई इस जो काल्पनिक जो बातें होती हैं उनका वास्तविक जीवन से कोई लेन देन नहीं होता, इस प्रकार की जो बातें होती हैं। तो कुसुम जी, मतलब इतना क्राउड, इतनी भीड़, मतलब किसी के अंतिम संस्कार पर, अंतिम यात्रा पर, पहली बार मैंने अंतिम यात्रा में इतनी भीड़ देखी कि हर कोई, मतलब उसके फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी कि जब उसकी चिता पर, मतलब अग्नि दे रहे थे उसको, उसके अंतिम यात्रा जब उसको चिता पर लटाया गया उसके पार्थिव शरीर को, तो भाई मतलब लोगों में उसके फैन में इतना जुनून था कि मतलब वो चाह रहे थे हम गेले जड़ जावा इसके, हम गेले मतलब मिट्टी में मिल जावा। लेकिन पुलिस प्रशासन का घेरा था, कमांडो चारों तरफ से कंट्रोल कर रहे थे, और जब तक वो अग्नि ठंडी नहीं हुई, तब तक वो आग ठंडी नहीं हुई, तब तक पुलिस प्रशासन उसके रखवाले के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए वहीं पर रही। मुखाग्नि उनके पिता ने दी थी। हाँ, मतलब पिता ने भाईचारा में खासा क्या था, भीड़ इतनी थी वो मैं देख नहीं पाया, क्योंकि बड़े बड़े कैमरे लग रहे थे वहां पर, मतलब भीड़ इतनी थी वो धक्का पेली हो रही थी वो, मतलब वो चीज वो नहीं देख पाया मैं उस टाइम। जिस टाइम उसके पिता, आपने वीडियो देखी होगी, अपने पगड़ी उतार कर ऐसे, मतलब अपने बेटे न मांगने क्यों कर रहे थे इतनी, बिल्कुल भाई एक वो मार्मिक। हाँ, मैं वही था जब वो जनाजा उसके घर से लेकर के वहां तक की दूरी लगभग 700 मीटर की दूरी है, उसके खेत है लगभग उसको 70 किले आए हैं, तो जो वह दूरी थी हर कोई हर किसी के आगे उसका पिता ऐसे हाथ जोड़ रहा था हर किसी के आगे, क्योंकि भाई सब कुछ उसका चाहने वाला था, और उसके प्यार में उसके मान सम्मान में आ पा रहे थे। उसके पिता ने पगड़ी उतार करके नुका था कि ये भगवान कोई तो मेरे बेटे ने वापस लौटा दो, तो भाई मतलब उसका के कसूर था इस प्रकार से सरेआम उसको मतलब मार देना, इस प्रकार से उसकी हत्या कर देना, तो भाई एक बेकसूर वो था सिद्धू मूसेवाला। पूरा देश वहाँ पर, पूरा जनसैलाब उमड़ रहा था, मतलब भाई हमें काफ़ी दुख हुआ। हमारी फील्ड, हम भी यूट्यूबर हैं, वो भी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी अच्छा, उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी पॉपुलर थे वो। हाँ, अगले महीने उसकी शादी थी, उसकी माँ से जब भी उसके पिता से वहाँ बैठे थे ऑफ कैमरा जब बातचीत होने लग रही थी, तो भाई अगले महीने
उसकी शादी थी, उनकी ताई जी से बात करी, उसकी ताई की तो खैर वीडियो भी है, उसकी भाभी और हैं, ताऊ का छोरा और की बहू हैं जो, उनसे भी जब बातचीत करी, यानी कि अगले महीने उसकी 28 साल का सिद्धू मूसेवाला उसकी शादी होने वाली थी। अरे भाई मेहनत करके अड़ोसी पड़ोसी जब गाँव वालों से पूछा ना तो मेहनत करके हर साल 7 से 8 किले 7-8 एकड़ जमीन खरीदा करता है, बहुत बड़ी बात है। अरे भाई मेहनत कराया करता, सोंग बनाया करता, कोई तो था नहीं भाई किसी का हक मार रखा है। आज तक उसने नुका गांव वाले पूछी, गांव वाले ने बोले भाई अब ईमानदारी और मेहनत की कमाई से सारी की सारी इतनी बड़ी हवेली मुझसे वाले गांव के अंदर। भाई चांदा सादगी और धरातल से जुड़ा हुआ कलाकार था वो, चांदा तो वो भी चंडीगढ़ दुबई मुंबई दिल्ली जैसे शहर में अपनी बड़ी 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 कोठी बंगले बना सका था, लेकिन उसका क्या था वो धरातल से जुड़ा था। और मतलब मैं उसके पुराने घर में गया, बाहर एक जंगा थी, एक चबूतरा, वहाँ नीम का पेड़ और बरगद का पेड़ लग रहा था। लोग ये कह रहे थे कि भाई सिद्धू मूसेवाला अपने फैन ने यहाँ बैठ के मिला करता, धरातल से जुड़ा हुआ था, मतलब वहाँ मिला करता। उसने कोई ये नहीं था अगर भाई मैं ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ कि, हालांकि उसके गाने जितने थे वो सारे वर्ल्ड वाइड थे, सारे प्रोफेशनल थे ज़बरदस्त, लेकिन बंदा धरातल से जुड़ा हुआ था, जमींदार और किसान का बेटा था वो जी। अमित सर हमारे गला है, अमित सर राम राम। राम राम जी। आप भी गए थे वहाँ पे? जी बिल्कुल गया था मैं, जिस दिन मतलब उनकी मौत हुई उससे अगले दिन गया था। अच्छा, वो कुछ देखा आपने वहां? तो सबसे पहले तो ये था कि लोग कह रहे थे कि 295 गाना आया था उनका, जो उनकी जिंदगी का एक मतलब एक्स फैक्टर था गाना वो, और सबने काफी प्रशंसा की, मतलब जितने भी गाने आए उनके, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट गाना लोगों ने मतलब उसको अप्रिशिएट किया, और उसी हिसाब से 295 तो 29 तारीख और 5वां महीना को उनकी मौत हुई, तो उससे लोग रिलेट कर रहे हैं। और वहाँ पे देखा मैंने, मतलब बहुत लोग आ रहे थे, बात करें दिल्ली से, मुंबई से, गोवा से, दूर दूर से लोग आ रहे, और सारी नेशनल मीडिया भी आ रही थी वहाँ पे। और सिद्धू मूसेवाला कहता था कि जैसे वहाँ से सुनने में आया है कि भाई मेरे को मतलब मेरे खेत में ही दफनाया जाए मरने के बाद। अच्छा। तो उसके अनुसार ही खेत में दफनाया गया। दूसरी बात ये कह रहे थे कि भाई चलो शमशान में दिक्कत हो जाएगी, पब्लिक ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी खेत की एडजस्टमेंट करी। दो बातें निकल के सामने आई है। और बात करते हैं उसकी फैमिली की, तो माँ बाप का इकलौता लड़का था वो, और बड़ी मेहनत करी उसके माँ बाप ने, माँ उसकी सरपंच है, और जो उसका बाबू है वो फायर ब्रिगेड में लग रहा है। और गांव वालों से पूछा मैंने, गांव वाले ने बताया कि भाई बहुत बढ़िया इंसान था वो, सबके साथ मिलता जुलता था, नेचर बहुत बढ़िया था, मतलब कोई भी बालक आया जब वीडियो बनाना है, फोटो लेना है, जो कोई दिक्कत नहीं है। और वो मतलब खेती बाड़ी का काम भी, मतलब ट्रैक्टर भी खुद चलाया करता, सारा काम खुद कराया करता लगभग। ट्रैक्टर पे लिख रखे था 5911। अच्छा। और जैसे पंजाबी कहा करें थी 8-11। फोटो वगैरह भी था? हाँ, फोटो वगैरह भी लग रही थी। और जो आसपास के जो गांव थे वहाँ भी पूछा हमने, जो मार्केट थी वहाँ भी पूछा, बल्कि ये देखो आप, वो जिस दिन मरिया उससे अगले दिन मार्केट बंद थी, और किसी के लिए मार्केट बंद करना रिस्पेक्ट के रूप में बहुत बड़ी बात है, वैसे मार्केट बंद नहीं होती, मार्केट बंद कर रखी है। हाँ, तो सभी से पूछा मैंने वहाँ पे, कहा कि भाई बहुत बढ़िया बंदा था, मतलब छोटों को राम रमी करके निकलता था और बड़ों के पैरों का हाथ लगाया करता, तो क्योंकि पता जब लगा पे उसके क्षेत्र में जाएगा वहाँ से पूछा, लोकल वाले भी अप्रिशिएट कराया करते। और बाहर से दूर दूर तक 100 किलोमीटर से, 200 किलोमीटर से, 800 किलोमीटर से, 1000 किलोमीटर से दूर दूर से लोग आ रहे थे वहाँ पे, और इतना प्यार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि भाई मतलब उन्होंने कहा मेला लग गया मेरी मौत पे, तो मौत पे मेला लग गया था। और किसी के अंतिम दर्शन में, अंतिम संस्कार में इतने लोग शामिल होना वाकई में काबिलियत की बात है, मतलब मैं अचंभित आश्चर्यचकित हैरान स्तब्ध रह गया, मतलब कमाल है, मैं इतना प्यार मिल रहा है। चलो भाई वीडियो आपने देख ली, फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। लगातार पंजाब सरकार के ऊपर और जो केजरीवाल सरकार है उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सिद्धू मूसेवाला ने मानसा विधानसभा से चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार चुके हैं। कॉमेंट बॉक्स में आपने इस सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड मामले को लेकर के कुसुम गोयल चैनल की जो ये वीडियो है, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। बिल्कुल, तो सर की राय थी या, और हमने सर की राय सुन रही है। अमित बोस सर, अजय सर मौके पर गए थे, पूरी वीडियो इन्होंने अपने चैनल पर दिखाई है, और ये पूरा कंक्लूजन जो है शॉर्ट में तो हमने इस वीडियो में देख भी लिया है। और तारा के कुछ कहना है सिद्धू मूसेवाला के बारे में तो हमने कमेंट में बता दियो, मैं फिर मिलूंगी तो हमने किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए हमने दे दो इजाजत। राम राम।